तो लगातार बारिश जो है वो हमारा इधर 2-3 दिन से हो रहा है। तो देखिए ऐसा हुआ है कि बारिश तो हो रहा है, हमारा गांव का खेत अच्छा खासा मछली हो रहा है। तो गाइस आज हम इस वीडियो में व्हाट्सएप नहीं बोलेंगे क्योंकि हमारा इस इलाका में जो है वो 3-4 दिन से लगातार बारिश हो रहा है। सो उसके वजह से जो है वो हमारा गांव का खेत जो है वो जमीन के अंदर लेट चुके हैं बारिश के वजह से और थोड़ा बहुत हवा के वजह से, और उसी कंडीशन में जो है वो हमारा गांव का खेत का बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से नुकसान हुआ है। सो उसके वजह से जो है वो हम सब लोग दुखी हैं। तो आज हम इस वीडियो में आप लोगों को दिखाने वाले हैं हमारा गांव का कुछ कंडीशन। गाइस हमारा इस ग्रीन गांव का छोटा छोटा चीज़ का सिनेमैटिक शूट किए हैं इसी वीडियो में। सो देखने में बहुत ही अट्रैक्टिव लगेगा। सो आपके पास अगर OLED पैनल का डिस्प्ले का मोबाइल है तो आप बहुत ही मजा ले सकते हो इस वीडियो का। सो आपके पास अगर IPS डिस्प्ले है तो भी चलेगा, कोई बात नहीं। सो इस वीडियो गाइस बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाला है। सो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहिएगा। तो चलिए गाइस हम इस वीडियो को क्विकली स्टार्ट करते हैं। तो लगातार बारिश जो है वो हमारा इधर 2-3 दिन से हो रहा है। सो उसके वजह से हम घर से निकल नहीं पा रहे हैं और आप लोग देख सकते हैं कुछ हालात। लेकिन हमारा छाता जो है वो पूरा का पूरा टूटा फूटा है। सो हम इसको एक हाथ में होल्ड करके रखे हैं और एक हाथ में जो है वो वीडियो शूट कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं मेरा छाता का कुछ हालत कुछ इस तरीके का है। तो अभी जो है वो हम चाय पीने जा रहे हैं दुकान, हमारा गांव का दुकान, और साउंड कुछ सुन सकते हैं आप के स्काई के ऊपर जो है एक बारिश होने का साउंड आ रहा है। सो बहुत ही भयंकर जैसा लगता है साउंड सुनने के बाद। सो आप लोग देख सकते हैं बारिश कितना लटक रहा है आसमान के ऊपर। तो गाइस अब आएगा असली मज़ा हमारा ग्रीन गांव का एक सिनेमैटिक वीडियो देखने के बाद। और गाइस और भी इंटरेस्टिंग शूट है इस वीडियो में। सो इस वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए। तो देखिए ऐसा हुआ है कि बारिश तो हो रहा है 2-3 दिनों से, लेकिन बहुत ज़बरदस्त तरीके से हो रहा है और थोड़ा सा हवा के वजह से जो है वो पूरा का पूरा जो है हमारा गांव का खेत जमीन के अंदर लेट चुका है और पानी के वजह से जो है वो पूरा का पूरा ख़राब हो चुका है। तो इसलिए जो है वो हम सब लोग बहुत ही दुखी है कि हमारा गांव का खेत जो है वो बुरी तरीके से गिर चुका है। सो उसके वजह से जो है वो हम सभी का बहुत ही ज़्यादा जो है वो नुकसान हुआ है। इस फिर से जो है वो बारिश आ गया है और हमारा छाते का जो है वो डंठा आप देख सकते हैं कि आधा नहीं है अभी फिलहाल। सो आप लोगों को तो पता चल गया होगा इस खेतों को देख के कि अभी जो है वो कंडीशन कैसा होगा हम लोगों का। सो क्या करें, ऊपर वाले का दिया हुआ है सो सहना तो ज़रूर पड़ेगा। तो चलिए हम आप लोगों को थोड़ा सा और भी खेत वगैरह दिखाते हैं। सो खेत का कुछ हालत जो है आप लोग देख सकते हैं। गाइस देखिए ऊपर वाले का दिया हुआ है सो सहना पड़ेगा। कभी कभी ये सब चीज़ जो है माइंड में लेना नहीं चाहिए क्योंकि ऊपर वाले का दिया हुआ है सो सहना तो ज़रूर पड़ेगा। लेकिन आप लोगों को एक चीज़ बता देते हैं कि बारिश तो हो रहा है लेकिन इसी गांव का खेत के अंदर जो है वो बहुत ही अच्छा खासा मछली हो रहा है। और मछली जो है वो अगर मछली के बारे में बात करें तो हमारा गांव के हिसाब से मछली का नाम अगर सुनेंगे आप लोग तो देखिए एक्चुअल में तो हम लोग प्योर बंगाली हैं और खेत के ही अंदर पानी चल रहा है।
और उसके वजह से एक अच्छा खासा मछली हो रहा है। मछली का नाम आप लोग अगर सुनिएगा तो लगेगा कि क्या क्या बोल रहे हैं हम। सो मछली का नाम जो है वो ज़्यादातर हो रहा है कोई का जो है सी बारिश में, ज़्यादातर यही माछ हम सभी को जो है हमारा गांव के अंदर देखने को मिलता है। तो एक चीज़ तो है कि हम लोग जो है वो अभी मछली खा रहे हैं और घर में बैठ के जो है वो पूरा का पूरा जो है वो बोर हो चुके हैं, और उसके बाद जो है हम आप लोगों को दिखा रहे हैं हमारा गांव का कुछ कंडीशंस, ठीक है। ये हो गया हमारा ईदगाह, जो इधर जो है वो ईद का नमाज पढ़ता है, ठीक है। और कुछ इस तरीके का पूरा हमारा विलेज का व्यूज जो है आप देख सकते हैं। तो चलिए गाइस, भीजने से बहुत ही बुरी तरीके से जो है वो कोई भी प्रॉब्लम जो है हो सकता है। सो हमारा छात कुछ इस तरीके से हम रखे हुए हैं इस पिलर के ऊपर। तो चलिए छात क्या, लेकिन ना हम कुछ इस तरीके से जो है हम छात पकड़ के रखे हैं। सो आप देख सकते हैं क्या करे, डंडी तो नहीं है ना। देखिए हम लोग तो गांव से बिलोंग करते हैं, लेकिन हमारा गांव में जो है बहुत ही अच्छा खासा ग्रीन जैसा देखने को मिलेगा, और गांव में रहने के लिए जो है एक मज़ा ही कुछ और देखने को मिलता है। सो सिटी में जो मज़ा नहीं मिलता है वो गांव के अंदर ही मिलता है। सो आप लोग तो जान ही चुके होंगे, सो बहुत मज़ा लगता है गाँव में रहने के लिए। तो गाइस इस वीडियो को जो है हम शूट किए थे हमारा सैमसंग गैलेक्सी A51 से। सो आप लोगों को इसका वीडियो क्वालिटी और हमारा गांव का वीडियो क्वालिटी कितना अच्छा लगा सो हमको कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इस वीडियो अगर आप लोगों को जरा सा भी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसके लिए एक लाइक करना मत भूलिएगा। और पहली बार आप अगर हमारे इस चैनल में नए वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशंस करके दबा दीजिएगा, क्योंकि गाइस हमारे इस चैनल में टेक रिलेटेड कोई भी वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो चलिए गाइस हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। लेकिन गाइस अपना ख्याल।